शुरू कर चुके हैं बेटगा और पीपल्स वॉइस। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस दिनों बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा लगातार मुस्लिम समाज के नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष पूरी कोशिश में यह जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता है वो पार्टी में आ जाए, इसके लिए वो हर गम हर बात को बुलाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने अतीक अहमद के परिवार को पार्टी के अंदर शामिल करवा दिया। और अतीक अहमद के परिवार का बैकग्राउंड आप जानते भी हैं कि अतीक अहमद को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की राय क्या थी और अतीक अहमद किस मामले के अंदर सजा काट रहे हैं ये भी सभी जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीति में ना कभी किसी से दोस्ती होती है और ना ही परमानेंट तौर से किसी से दुश्मनी। कोई कभी भी दोस्त बन सकता है और कभी कोई भी दुश्मन बन सकता है। जो भी हो, अब अतीक अहमद बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उनकी पत्नी साइस्ता परवीन जो है बीएसपी में शामिल हो चुकी है और कभी भी उन्हें मेयर की टिकट जो है प्रयागराज से बीएसपी देने के लिए पूरी तैयारी है। बीएसपी की तरफ से ऐलान भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर साफ है कि बहुजन समाज पार्टी आगामी प्रयागराज के चुनाव में शाइस्ता परवीन को उतार रही है। लेकिन बात हम बात करें मुस्लिमों की, तो मुस्लिम समाज को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी एक बार फिर से काफी तेजी से काम करते नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी लगातार ये सोच रही है कि मुस्लिम समाज और दलितों को साथ लेने से कहीं ना कहीं फिर से खोया हुआ वोट वापस आ सकता है, खोई हुई ताकत को वो पा सकती है। यही वजह है कि निकाय चुनाव, शहरी पार्षद के चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के नेताओं को भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी देने में जुटी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की एक बड़ी भागीदारी है। एससी समुदाय भी एक बड़ी संख्या में जाना जाता है, लेकिन पिछले चुनावों में ब्राह्मणों के साथ जाने पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। साथ ही मुस्लिम समाज ने भी बीजेपी हटाओ अभियान के साथ कारण एकतरफा समाजवादी पार्टी की तरफ से लामबंद वोट हुआ, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी या बीजेपी कोई दोष नहीं दे सकते, कुछ कमियां बीएसपी में भी रही क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने किसी बड़े नेता जो बड़े समाज के बड़े लोग हैं उनसे जाकर कभी किसी से मुलाकात ही नहीं की, वोट ही नहीं मांगे। तो फिर आपको जो आपने 2007 में वोट मांगे तो आपको वोट मिले, लेकिन अब आप 2022 में वोट नहीं मांग रहे तो आपको वोट कौन देगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने आखिरी बार किसी समाज के बड़े नेताओं से कब मुलाकात की थी ये सोचने के लिए तारीखों या कैलेंडर देखना पड़ता है। साथ ही उनकी तरफ से अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी यही देखने को मिला है कि वो पिछले 4-5 महीने से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरीके से देखे तो गायब हो चुकी है। वो ट्विटर के माध्यम से ही ट्वीट करके अपनी जानकारी देती रहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए आज भी स्थितियां इतनी आसान नजर नहीं आती, लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन मुस्लिम समाज बीएसपी के प्रति कितना साथ खड़ा होगा, कितना नजदीकी से होगा, यह देखना निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इनके नतीजों के बाद ही मिलेगा। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट।